अच्छा कलावती, चाचा जी ने कहा है कि डब्बों में कम से कम 2-2 दर्जन लड्डू होने चाहिए। बरातियों को ऐसा ना लगे कि हमने खातिर अच्छे से नहीं करी। सब जाने हूँ मैं कि बहन की शादी में इतना काम क्यों करता फिर रहा है तू। तू यही सोचे है ना कि थारा ब्याह भी जल्दी से हो जावे। हाँ ओए मोना, इधर आ, काम है मुझे तुझसे। मैं सभी आई वीर जी, ताई जी के अलावा की थाली दे आऊं। मोना, थाली तैयार हुई? हाँ ताई जी, अब देख लीजिए। परजाई जी, कुछ बात करनी थी जी आपसे। मैं कह रहा था वो स्वीटी की विदाई में थोड़ा सा वक्त लगेगा जी। क्यों, क्या हुआ? इन्होंने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया? नहीं 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 जी, कोई बात नहीं है। वो दरअसल परमीत के फूफा जी थोड़े से नाराज हैं जी। वो कह रहे हैं कि ये जितनी भी मिठाइयां हैं वो चांदी के डब्बों में नहीं दी जाएंगी तो फिर वो लेके नहीं जाएंगे। बस इतनी सी बात है, और कोई नहीं जी। चांदी के डब्बे? लेकिन ये कैसी मांग है, और वो भी एंड वक्त पे। पर चाचा जी, ये तो गलत है ना। ओए पुत्र, तू शांत रह, शांत रह। अब इन सब बातों की समझ नहीं है तुझे। पर जय जी, बेटी का विवाह है, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। और वैसे भी परमीत के माँ बाप ने कोई मांग नहीं की है। वो रिश्तेदार, फूफा जी वगैरह, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता ना करो जी। लेकिन भाई साहब, चांदी के डब्बों का इंतजाम कैसे होगा, इतना खर्चा? पर जय जी, आप खर्चे की चिंता क्यों कर रही हैं? स्वीटी मेरी बेटी नहीं है क्या? मैं बस यूं गया किसी सुनार की दुकान खुलवाकर बस चांदी के डब्बे ले आऊंगा। आप लोग बस इनके रिश्तेदारों का ख्याल रखिए, इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, है ना जी? पुत्र, तू शांत रहना। हाय लेडीज। अरे गोल्डी, कहां था तू यार? सब तुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई साहब, आपकी शादी में बहुत सारे स्यापे हैं। फूफा जी बोलते हैं जब तक चांदी के डिब्बे में मिठाई नहीं मिलेगी, मिठाई नहीं लेके जाएंगे। बेचारे लड़के वाले सुबह सुबह मिठाई का डब्बा ढूंढने के लिए गए। चांदी के डिब्बे, अब ये कौन सा नया तमाशा है यार? फूफा जी हर शादी में कोई ना कोई नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर देते हैं? पापा जी, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? क्या बोलूं, जैसे तुम इस घर के दामाद हो, वो हमारे घर के दामाद हैं। अब उनकी मां गलत ही सही, लेकिन यहाँ सबके सामने उन्हें कुछ नहीं कह सकता मैं, समझे? लेकिन पापा जी, तू बीच में मत पड़ पुत्र। वैसे भी लड़की वालों को ये सब खातिरदारी करनी पड़ती है, ये रीत है पुत्र जी। अच्छा ये सब छोड़, गोल्डी तू अभी तक मोना से मिला कि नहीं? मोना? कौन मोना? मोना वही हमारी साली साहिबा, जिससे तेरी बात मम्मी जी चलाने वाली है। मेरी बात? मजाक कर रहे हैं? तेरी साली और गोल्डी, कम ऑन ब्रो यार। तुम्हें पता तुम्हारे भाई का एक स्टैंडर्ड है यार, टशन है। भाई मेरे, जब तू मोना को देखेगा ना तो सारे के सारे टशन भूल जाएगा, समझा? देखते वो, देख वो रही मोना। क्यों, कैसी लगी? आप ठीक है, कुछ खास तो नहीं है। तुम आज कल के लड़के भी, अब स्वर से अप्सराएं भी ढूंढ के ले आओ ना, तब भी तुम मना कर दोगे। अब तुम्हारे लिए कैटरीना कैफ जैसी लड़की कहाँ से ढूंढ के लाऊं? हाँ बाबूजी, हमें क्या लगे छे? अरे कब से धूप में बिठा के रखा है तेरे छोकरे ने, कैसे ठीक होंगे? और फिर सफर की थकावट भी है, उम्र भी कोई चीज होती है भारती।
अनुकल्प, कम से कम तुझसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तू एक जवाबदार छोकरो छे, तू ऐसा कैसे कर सकता है? बापूजी की दवाई का समय हो गया, पर ये वो डायबिटीज वाली दवाई है तो खाली पेट नहीं दे सकती मैं। बापूजी, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। दक्षा, अपना पोता दिल्ली आके सब कुछ भूल गया है। बता दे उसे कि बापूजी सिर्फ घर का शुद्ध शाकाहारी वैष्णव खाना ही खाते हैं, वरना नहीं। हाँ हाँ, उसे याद दिला दूंगी, पर तमें पन तुम्हारी उम्र याद रखो। अरे समझाओ नहीं कल्पेश, अब तुम्हारा ये शरीर तुम्हारे सख्त नियम कानून नहीं झेल सकता। अरे अब जिद छोड़ो, कुछ खा वा के दवाई ले लो, तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ हाँ बुढ़िया, तुझे क्या है, पूरा दिन जलेबी चाट खा के खुश रहती है, लेकिन मैं सिर्फ साफ सुथरी रसोई का घर का खाना ही खाऊंगा बस, वरना नहीं खाऊंगा। बात ठीक ही तो कह रहे बापूजी, अगर उन्हें नहीं भाता तो वो बाहर का खाना क्यों खाए? अगर वो शुद्ध शाकाहारी वैष्णवी खाना खाना चाहते तो उन्हें वही मिलेगा। चल चल अंदर जाकर देखते हैं इनकी रसोई में अगर कोई कोना खाली पड़ा हो तो। साफ सफाई करके मैं बापूजी के लिए खाना बना देती हूँ। चल कम से कम हमारी वैष्णव रसोई का तो ख्याल रख लेते। अब इस घर की शुद्धि के बिना हम अंदर कैसे आएंगे? मैं इस रसोई में खाना कैसे पकाऊं? बापूजी को दवाई कैसे दूं? माँ, ओए तुम यहाँ पे और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ? तुम नहीं जानते कितनी पंगे हो गए, कितनी प्रॉब्लम आ गई स्वीटी दीदी की विदाई में, और 2-3 घंटे लेट हो जाएंगे और ठाटी जी भी गए हैं। अब्बा जी, मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी जी है? तो पहले क्यों नहीं बताया? ये पकड़ो। वो इधर उधर क्या देख रहे हो, पकड़ो ना। सस्त्रीकाल आंटी जी, मैं मोना, आज मेरी ही कजन सिस्टर की शादी है, आइए ना, मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, मेरे दादाजी, मेरी मम्मी जी, मेरे ताई जी, आप इतने भूखे होंगे ना, मैं आपके लिए छोले भटूरे लेके आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो, कुछ खाना नहीं है मुझे। ऐसे कैसे नहीं खाना, आप इतनी दूर से आए हो। मोना जी, अम्बा प्याज और लहसुन वाला खाना नहीं खाती है इसीलिए। ओहो, फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे यहाँ तो हर चीज में लहसुन प्याज पड़ता है। चलो कोई नहीं, लस्सी, मैं लस्सी ले आऊं आपके लिए, उसमें तो सिर्फ दही और शक्कर होता है, राइट? बस अभी आंटी जी। मोना जी एक थिंग सुनिए। क्या? कह दो उसे मुझे उसके घर की लस्सी वस्सी कुछ नहीं चाहिए। अम्बा प्यार से ला रही है, ले लो ना, उसे बुरा लग जाएगा। बड़ी फिकर है उसकी, कब से जानते हो? मैं बापूजी के लिए कुछ खाने को लेकर आता, उनकी दवाई का टाइम हो गया ना, मैं अभी। हाँ ताई जी, अनुकल्प के घर वाले आए हैं। अच्छा, कहाँ है? उनकी मम्मी जी से तो मिली, लेकिन बाकी घर वालों से नहीं मिली, बेचारे बाहर गए होंगे, लेकिन ट्रक तो बाहर है, शायद फिर उन्हीं का सामान होगा। मैं जाकर देखती हूँ। मैं उनकी मम्मी जी के लिए ना लस्सी लेने आई थी। दार जी कहाँ है? वो बाहर है,
मैं जाकर बताती हूँ उन्हें। कमाल है, कहाँ चले गए? मैंने तो रुकने को बोला था। ये अनुकल भी ना बायगॉन, झल्ला है झल्ला। क्या बात है सारी साहिबा, सबको लस्सी शशी पिला रही हो, एक हमारा ही ध्यान नहीं रख रही हो। ये तो गलत इल्जाम है, ध्यान आपका नहीं रहता। जब देखो तब स्वीटी दी स्वीटी दी, उन्हीं पे तो नजर रहती है आपकी। शायद इसी को इश्क कहते होंगे। वैसे इश्क में डबल एम ए तो हमारे गोल्डी भाई साहब ने किया है, अब वो ही बता सकते हैं कि इश्क क्या होता है। क्यों गोल्डी? अब भाई साहब इश्क क्या होता है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इश्क कैसे होता है ये आज पता लगा। अरे भारती गोल्डी, ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। साली हमारी है और दिल लगी तुम लगा रहे हो। आज तो हक बनता है हमारा दिल लगी करने का। भाई दूल्हे के भाई जो क्यों? क्या हुआ? अरे तू किसे देख रही है? तो दूल्हे के भाई दिल लगी करने चले हैं। अच्छा पहले अपनी शक्ल आईने में देख के आओ, समझे? ऐसे? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भाई साहब पहली बार कोई लड़की टक्कर की मिली है। अरे यार तो खुलेआम मजाक मस्ती हो रहा है। अच्छा है हमारी हेतल सेजल ऐसी नहीं है। अरे वो तो बहुत ही संस्कारी और शर्मीली छोरियां हैं। ओहो कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पे। सेजल वो देख क्या है दीदी। अरे पंजाबी छोकरे कितने गुड लुकिंग होते हैं ना, लंबे चौड़े गोरे गोरे। और हमारे शहर में तो एक भी अच्छा लड़का नहीं था। तुम भी ना हेतल दीदी कैसी कैसी बातें करती रहती हो। और प्लीज उधर मत देखो, वो इधर ही देख रहा है। क्या तू सच कह रही है? अब वो लोग इधर ही देख रहे हैं, तू देखने देना। बस भी करो ना हेतल दीदी। सेजल तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे नहीं लगता तो कुछ ज्यादा ही सीधी है? उन लोगों को गली में बैठाया हुआ है तुम लोगों ने, शर्म नहीं आई तुम्हें? हैं? सत श्री अकाल जी। मैं हरनाम सिंह बेदी जी, मुझे लोग यहाँ दारची कहते हैं। आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ जी, आते ही आपको हमारी वजह से इतनी दिक्कत उठानी पड़ी। दरअसल मेरी पोती की शादी है, आपका बेटा बहुत दिल वाला है जी, उसने सारा घर दे दिया हमें शादी के वास्ते, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने उसके। अभी अभी मेरी बड़ी बहू ने मुझे बताया कि आप लोग आ गए हैं, तो मैं दौड़ा दौड़ा आप लोगों से मिलने चला है। आइए ना आइए, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? ये घर भी तो आपका ही है। नहीं हम यही ठीक है। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, यहाँ घर होते हुए आप यहाँ रास्ते पे सड़क पे कैसे बैठे रहेंगे? बच्चियां हैं आपकी जी। दर्जी बड़ी का नाम हेतल है और छोटी का सेजल। जीते रहो बेटे जीते रहो रे। अरे करण पुत्र आप बच्चों को अंदर ले जाओ, घर दिखाओ इन्हें, स्वीटी बोना से मिलाओ। अरे परिवार के बच्चे तो आपस में मिलने। पर दर्जी मैं नहीं बापूजी, मैं यही रहूंगी। क्यों सेजल चल ना मेरे साथ। पापा मैं जाऊं, वो क्या है ना कि मुझे दुल्हन को देखना है। हाँ पुत्र इनको दुल्हन भी दिखाओ। पापूजी हम जाएं। चल ना जा। चल, चल, चल।
लस्सी? नहीं आंटी, हम बाद में पी लेंगे। ठीक है, लीजिए लस्सी वस्सी पीजिए। बहु लोगों के कुछ खाने का इंतजाम भी करो, बहुत लंबा सफर करके आए हैं ये लोग। लस्सी। नहीं देखो बेटी, बुरा मत मानना, लेकिन हम बाहर की कोई भी चीज नहीं खाते। ये बाहर का कहाँ है, ये तो मैंने खुद घर पे बनाई है, लीजिए ना। जी धन्यवाद बापू जी, लीजिए। अब आप डायबिटीज की दवा खा सकते हैं। ये बापूजी वो ये लस्सी मत पीना। ये बापूजी वो ये लस्सी मत पीना। ना बापूजी ना, अब प्लीज बुरा मत मानिए। और वो क्या है कि आपके घर में मच्छी मांस पकता होगा ना, और हम लोग वैष्णव हैं, शुद्ध शाकाहारी। पर आंटी जी ये तो लस्सी है, इसमें प्याज लहसुन नहीं। लेकिन जहाँ ये बनता है वहाँ तो प्याज लहसुन कटते हैं ना। प्लीज आप बुरा मत मानिए। हम समझते हैं, हम असल में फिक्र हो रही थी कि आप लोग इतनी दूर से आए, आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वैसे भी वो आपके लड़के ने बताया नहीं कि आप लोग प्याज लहसुन से परहेज करते हैं, वो तो हमारे साथ ही रोज खाता। कोई गल नहीं जी, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या और भिजवाया जा सकता है। बंद बोतल का पानी तो पी लेंगे ना आप लोग, वही भिजवा देता हूं। चल पत्ता। माँ ये बापूजी के लिए कुछ खाने का सामान। क्या है? कचौड़ियां। शुद्ध शाकाहारी है ना? एकदम शाकाहारी है। पापूजी खा लीजिए ना, देखिए जिद मत करिए, आपका बीपी लो हो सकता है, प्लीज खा लीजिए। भारती अरे ये कचौरियां तो भट्टी के ढाबे की है, और वहां पे तो चिकन मटन भी बनता है। बापूजी नहीं, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। हमारे दादाजी की तबीयत तो बहुत खराब है, इन हमारे घर ले चलो ना। मदद के लिए शुक्रिया मोना जी, पर कोई जरूरत नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है हम संभाल लेंगे। अनुकल यहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा? नहीं तो मैं जाकर ढूंढता हूँ। नहीं पापा, आप बाबूजी के साथ रुकिए, डॉक्टर मैं लेकर आता हूँ। अरे सुनो तो, इतनी सुबह में कहाँ डॉक्टर ढूंढोगे? मेरे पास एक नंबर है, वो हमारे। नहीं मोना जी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, इतना रहम कीजिए प्लीज। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या जरूरत क्या थी आपको ये कहने की कि उस ढाबे में नॉनवेज भी बनता है? लेकिन नहीं, चुप रहना तो आपको आता ही नहीं। और अगर तुम मेरे दादाजी का धर्म भ्रष्ट हो जाता तो? धर्म ही भ्रष्ट हो जाता ना, उनकी जान पे तो नहीं आती। मोना जी बस, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, हम खुद मैनेज कर लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, ये लोग हमें हमारे ही घर से बाहर नहीं रख सकते।
मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। बाप पापा जी का ख्याल रखना। और ये हेतल और सेजल कहाँ चले गए? वो दुल्हन को देखने।